केंद्र सरकार के प्रयास से CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर के खुलने से लोगों को सुविधाएं हो रही हैं। मध्य प्रदेश के रक्सेहा में मनोज दास कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं। सरकार की इस योजना के बारे में उन्हें कैसे पता चला, आइए जानते हैं। ये योजना का मुझे पता चला कि CSC सेंटर का लोकेशन यहाँ पे खाली है। मैंने ऑनलाइन आवेदन कर दिया और जो है मुझे ये काम मिल गया। इस पर कार्य बहुत ईजिली है। पहले तो मैं MP ऑनलाइन भी करता था, उसके हिसाब से तो मुझे ये काम ज़्यादा ईजीली लगा क्योंकि इसमें सारा काम जो है एक ही उसमें है, डिजिटल सेवा में। कॉमन सर्विस सेंटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कई सारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। मनोज भी CSC पर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। इसमें आपका बिजली बिल भी जमा हो जाता है, DGPay है जिसमें APS आधार बेस्ड पेमेंट होता है, उसमें सारे बैंकों का पेमेंट हो जाता है। उसके बाद हेल्थ होमियो भी है जिसका मैंने कई कस्टमर का रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है और उनको जो है वो डायरेक्ट ऑनलाइन डॉक्टर से बात करते हैं, उनका मेडिसिन जो है उनके घर तक आ जाते हैं। और फसल बीमा भी यही से हो जाता है। स्थानीय लोगों को अब कोई भी काम हो तो इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। पहले जो काम के लिए हमें जो है विभिन्न विभागों में जाना पड़ता था। अच्छी योजना है, इसमें जो है आपकी जो बिजली के बिल हो गए और फिर बहुत सारे ऑनलाइन फॉर्म हो गए, उसके अलावा आपकी बीमा योजना हो गया। सभी योजनाओं का हमें एक समग्र रूप से एक ही जगह पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। देश भर में ऐसे कई कॉमन सर्विस सेंटर खुल चुके हैं जिसका लाभ लोग भरपूर तरीके से ले रहे हैं। अब उनका वक्त बर्बाद नहीं होता।